क्योंकि उस वक्त मेरे रब ने यही हुक्म है जब मैंने खाना पीना अल्लाह के हुक्म से छोड़ दिया है तो मुझको वो सभी काम छोड़ देना चाहिए जिस पर अल्लाह की नाराजगी छुपी है। लिहाजा वो तमाम गुनाह से बचने की भी कोशिश करता है उसी का नाम तकवा है। तकवा की ये सिफत पैदा करने के लिए रोजादार को मुसलसल एक महीना का मौका मिलता है। सही माना में अगर रोजा का हक अदा की जाए तो हर रोजादार मुत्तकी और परहेज़गार हो सकता है। रमजान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाज़िल हुआ इसके इस माह में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक की तिलावत की जाती है। ईशा की नमाज के बाद तरावी होती है जिसमें रोजाना थोड़ा थोड़ा कुरान पाक पढ़ा जाता है। इस तरह पूरे महीने में कम से कम एक बार पूरा कुरान शरीफ सुनने को मिल जाता है। जब रमजान का आखिरी अशरा आता है तो अगली रात शुरू होने से पहले एहतिकाफ की नियत करके मस्जिद में कयाम करते हैं और रात भी इबादत में गुजारते हैं। यह एहतिकाफ सुन्नत है। ईद का चांद देखकर मस्जिद में कयाम कर मस्जिद से बाहर निकल आते हैं। पूरे माह रोजा रखने के बाद इसका चांद दिखाई देता है और दूसरे दिन यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद मनाई जाती है। उस दिन रोजा रखना हराम है करके खूब खाने पीने की इजाजत दी गई है। ईद मुसलमान का सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन मुसलमान को कितनी खुशी होती है बयां नहीं कह सकता। बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमान रोजा के सही हक नहीं कर पाते और ना ही कुरान पाक का हक अदा करते हैं। बहुत से मुसलमान इस मुबारक माह रमजान के बिना उज्र के छोड़ देते हैं और जो लोग रोजा भी रखते हैं वो दूसरी बातों का ख्याल नहीं रखते। हम रोजा तो रख लेते हैं लेकिन अपनी बीवियों से भी दूर रहते हैं मगर अपनी सवाल को इतना काबू में रखते हैं। बावजूद रोजादार होने के हम उसी तरह झूठ गाली गलौज गलामी और गीबत के आदत में मुब्तला रहते हैं। रोजा का बहाना बनाकर काम में सुस्ती करते हैं आराम करते हैं। हमारे मिजाज चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। अगर हमारे मातहत कुछ मुलाजिम हो तो बात बात पर सुन कर दर्द पड़ते हैं। रोजा का वक्त काटने के लिए रेडियो टीवी कैरम लूडो और ताश में दिल का लाते हैं। इस तरह के वक्त जाने पर ऐसे ठुकते हैं जैसा भूखा भेड़िया बकरी ईशा की नमाज जैसे जैसे अदा करते हैं और तरावीह में कुरान पाक सुनना और गौर करना तो दूर की बात है। आंख आंख पर जीतते हैं सहरी खाकर अक्सर लोग सो जाते हैं और फज्र की नमाज कज़ा कर देते हैं। हमारा ये अमल रमजान और कुरान के साथ दिलवा नहीं तो और क्या है। रमजानुल मुबारक में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत और उसके मुताला का एहतमाम करने का मौका मिलता है। रमजान के बाहर भी कुरान पढ़ने के इस सिलसिला को जारी रखना चाहिए और उसके मादी और मुतालिब को समझ कर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करना चाहिए। काश के हम मुसलमान काश के हम लोग नमाज सदक और हज पढ़ दे उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा भी फर्ज किया है। ये रोजा पूरे माह रमजान में हर साल रखे जाते हैं। रोजा का उन्हें अहम
Amin. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ